Hello and welcome guys and welcome to this short vlog and yes, yet again, I am back with the winners, with the achievers of the June 2024 attempt. And this time, I'm not going to introduce you to an AIR. This time, I'm going to introduce you to a person who has scored very good marks in theoretical subjects. Yes, day and night, I get these queries from all of you. Sir, we are not able to remember whatever theoretical concept that we are studying. We are not able to retain it in our mind. It just gets washed very, very quickly. And till the examination, it just gets disappeared from our brain. It's difficult to learn mug-up theory, how to learn mug-up theory, what are the techniques that we can use to revise theory, and sir, how to score good marks in theory. Most of the students face a very difficult situation when it comes to theory. So today, I'm here with my answer to all your questions. The method of studying theory, how do you have to study theory? How do you have to actually practice theoretical portions of your syllabus? Because theory is an inevitable part of your entire CMA journey. So it has to be done with perfection. And this guy has done it with perfection. I'm talking about Anurag Singh, who is now a CMA finalist, CMA inter-qualified, Anurag Singh. Anurag Singh, many, many congratulations on attaining this big victory. Now you are a CMA finalist. You have qualified CMA inter both groups. This is a big, big, big achievement, Anurag. Thank you, sir. Thank you very much. So how does it feel? Difficult लगता है क्या कि सर अब हम फाइनल में आ गए हैं तो अब कंधों पे ज़्यादा प्रेशर लगता है क्या? ऐसा लगता है सर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी ऐसा लगता है क्या? नहीं पढ़ाई का नहीं अब लगता है कि एक स्टेज आगे आ गए हैं अब वो इंटर्नशिप फाइनल्स पढ़ाई कैसे yes. क्या होगा जॉब क्या होगा उसका टेंशन होता है पढ़ाई तो वैसे ही yes. करनी है कि वो जो प्रोसेस था इंटर में वही प्रोसेस अब यहाँ पर करनी है बस तो वही प्रोसेस हम आज तुमसे जानने आए हैं 81 मार्क्स इन कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट तुमने ऐसा क्या किया जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट में 81 मार्क्स आए और कॉर्पोरेट अकाउंट्स जब तुम पढ़ रहे थे तो क्या ऐसा हुआ कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स को थोड़ा कम पढ़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ा ऑडिट पे ज्यादा फोकस करा किस चीज पे बैलेंस सबसे बताओ इस सब्जेक्ट को तुमने बैलेंस आउट कैसे किया 50-50 मार्क्स में पहले मैंने देखा मैंने दोनों सब्जेक्ट के पहले मैंने क्लासेस सब कंप्लीट किया मैंने क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मैंने देखा कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स के कुछ कुछ चैप्टर्स जैसे है जैसे डिबेंचर्स वाले चैप्टर इंडियस वाले सब इंडियस 19 और फिर डिबेंचर्स के बाद वो बैंकिंग कंपनी में ये तीन चार चैप्टर्स जो थे वो मेरे को थोड़े टफ लगते थे तो मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट्स में ये तीन चार चैप्टर मैंने थोड़ा एक बार करके मैं एक दो बार मैं सही से करके फिर मैं सोचा कि ऑडिट पे ज्यादा ध्यान दे ऑडिट ज्यादा किया मैंने फिर ऑडिट पढ़ा कॉर्पोरेट से पढ़ा कॉर्पोरेट का बस ये दो तीन चैप्टर थोड़ा मैं सही से नहीं हो पाया था बाकी सब मैंने कॉर्पोरेट का सब सही से कर लिया था फिर ऑडिट का मैंने क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मैंने पहले चार्ट्स पढ़ी अभी जो चार्ट्स थे मैंने चार्ट्स पढ़ के मैंने पहले चार्ट्स से सब पॉइंट्स जो थे पॉइंट्स मैंने याद किए ये विद द हेल्प ऑफ न्यूमोनिक्स जो आपने बहुत न्यूमोनिक्स दिए थे न्यूमोनिक्स से मैंने पहले पॉइंट्स याद किए फिर आपने जो एग्जांपल्स दिए थे उससे मैं याद कर करके कि वो पॉइंट्स का ये एग्जांपल था वर्किंग पेपर्स का आपने एग्जांपल दिया था फिर से मैंने उससे मैंने पहले पॉइंट्स याद किए बुक को मैंने नहीं छुआ पहले फिर से मैंने पॉइंट्स याद किए फिर मैंने बुक खोला पॉइंट्स याद हो गए थे फिर पॉइंट्स के अंदर जो कॉन्टेंट था कॉन्टेंट को मैंने दो बार तीन बार मैंने रीड किया फिर मैं समझा अपने माइंड में मैंने पढ़ा कि हाँ क्या कंटेंट मैंने पढ़ा था क्या पॉइंट्स मैंने था माइंड में पढ़ा फिर मैंने जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे जैसे 10 मार्क्स के 10 पॉइंट्स के 15 पॉइंट्स वाले जो जो क्वेश्चन थे उसको मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया फिर मैंने स्कैनर देखा स्कैनर से मैंने कॉमन क्वेश्चन देखे नहीं पहले मैंने देखा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये फिर से मैंने वो पढ़ा फिर मैंने देखा कॉमन क्वेश्चंस क्या है कॉमन क्वेश्चंस मैंने देखा कि क्या क्या बहुत बार रिपीट हो रहा है मैंने वो क्वेश्चंस मैं राइटिंग प्रैक्टिस किया और लास्ट में मैंने एमसीक्यू किया मॉड्यूल एंड स्कैनर्स एक एक एमसीक्यू मैंने किया क्योंकि मेरा टारगेट था कॉर्पोरेट्स और इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स में कि 26 से नीचे नहीं आना है मैंने ग्रुप वन में ग्रुप टू में ये 30 में 26 के नीचे नहीं जाना है एमसीक्यू में मैंने वही मेन टारगेट था बस ऐसे ही किया तो अनुराज तुमने दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस पूरे डिस्कशन में बताई वो नंबर वन
गाइज, ये जो पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट, इसके अंदर ये चीज संभव है कि आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स को थोड़ा सा मतलब उसको उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कर लो, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लो, ऑडिट को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो, आपका ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता है. बिकॉज वी अंडरस्टैंड कवरिंग एंटायर कॉर्पोरेट अकाउंट्स विल बी रियली डिफिकल्ट. अनुराज की स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ध्यान देना और ऑडिट के लिए एंटायरली बहुत अच्छे से करना, दैट इज पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, थ्योरी को जब आपको याद करना है तो सबसे पहले चार्ट्स फॉर्म में, न्यूमोनिक्स फॉर्म में, और जिस भी टीचर आप कोचिंग ले रहे हैं उन सब ने आपको चार्ट्स दिए होंगे, न्यूमोनिक्स दिए होंगे, उनको प्रॉपरली रजिस्टर पे बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, ये चार्ट्स अगर तुमने बना लिया आधा काम हो गया. और इन चार्ट्स को अनुराज ने, मुझे आज तक याद है, अनुराज ने अपने रूम के वॉल्स पे भी लगाया था बहुत सारे चार्ट्स को, जिससे कि क्या होता है रिटेंशन बढ़ती है. और पहली बार पढ़ के किसी को याद नहीं रहता, रिवीजन करनी पड़ती है बार 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 बार. एमसीक्यू तो की है ही है, एमसीक्यू जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा, जैसा कि अनुराज ने बताया, करना चाहिए चाहिए. और जी हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द यू नो थ्योरेटिकल पार्ट, यू शुड प्रैक्टिस इन राइटिंग एज मच एज पॉसिबल. अगर आपने ये चार पांच स्टेप ले लिए, थ्योरी आराम से कंप्लीट होगी, रिविजन प्रॉपरली करो, चार पांच बार रिविजन करो, थ्योरी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. और जी हाँ, संभव है थ्योरी में 80% प्लस मार्क्स लाना, अनुराज इस बात की गवाही देगा कि बिल्कुल बिल्कुल संभव. ओके अनुराज, तो ये तो हुई बात हमारे एक पेपर की जिसमें तुमने एक्सेल किया, 81 मार्क्स आपने स्कोर किया है. अब बात करते हैं ओवरऑल इंटरमीडिएट. प्लीज टेल मी, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू क्वालिफाई ओवरऑल इंटरमीडिएट, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू थिंक बेनिफिटेड यू एंड गेव द रिजल्ट विच यू डिजायर. मैंने सिंगल ग्रुप, मैंने देखिए दोनों सिंगल ग्रुप करके मैंने ये एग्जाम दिया था. सिंगल ग्रुप में पहले मैंने दोनों ग्रुप में मैंने पहले सारे 3 महीने में मैंने सारे क्लासेस कंप्लीट किए हैं. दिन में मैं 2 सब्जेक्ट करके मैं करता था, जैसे सुबह से दोपहर तक 1 सब्जेक्ट 2 क्लास, फिर शाम से रात तक 1 सब्जेक्ट 2 क्लास. तो वो करके मैंने 3 महीने में मैंने पूरे क्लासेस कंप्लीट किए. क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मैंने लास्ट 3-4 महीने में मैंने पहले फर्स्ट डिविजन में मैंने पहले मॉड्यूल और फैकल्टी के बुक्स मैंने सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए, सारे प्रैक्टिकल के बोल रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के मैंने सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए मॉड्यूल एंड फैकल्टी के. फिर सेकेंड डिविजन में मैंने जब गया तो मॉड्यूल एंड स्कैनर मैंने सारे क्वेश्चंस स्कैनर मॉड्यूल मैंने सारे प्रैक्टिस किए. फिर थर्ड डिविजन में मैं जब गया तो मैं पहले फैकल्टी के बुक्स के, जैसे एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से मैंने 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैंने मार्क किए हुए थे कि जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे हों, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं. तो मैंने वो मैंने मार्क किया हुआ था. स्कैनर के मैंने वो क्वेश्चन मार्क किया था जो कॉमन है, मैंने बहुत बार रिपीट हुए हैं जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो टाइप के, वो मैंने मार्क किया था. और मॉड्यूल के मैंने सारे फिर से मैंने किए, मैंने क्योंकि मॉड्यूल के सारे सम्स नहीं होते हैं तो मॉड्यूल का मैंने सारे किया, स्कैनर का इंपॉर्टेंट सम्स एंड फैकल्टी के थर्ड रिवीजन में वो किया. और लास्ट के 2 महीने मैंने सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स मैंने याद किए थे लास्ट के 2 महीने में. और लास्ट के 15 दिन में मैंने एमसीक्यू मैंने सारे कर दिए थे लास्ट. सो गाइस, सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फ्रॉम अनुराज. डू स्कैनर वेल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन द थियोरिटिकल पोर्शन रिवाइज दैम एट द लास्ट फ्यू डेज, लास्ट 15 डेज, दैट विल बी द की. एंड यूज थ्रैशिंग टेक्निक. थ्रैशिंग टेक्निक मीन्स दैट आफ्टर एवरी रिविजन यू हैव टू थ्रैश योर कोर्स टू हाफ, यू हैव टू रिड्यूस द क्वेश्चन टू हाफ एंड टू फोकस ऑन क्वेश्चन विच कंटेन्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स. दैट इफ यू डू वन क्वेश्चन you'll be sure that you have covered all the concepts, and you know, classifying those questions is very very important, and that is what you know made Anuraj, who's an intermediate student, a finalist, CMA finalist student now. So Anuraj, brilliant techniques that you have suggested to all of us. Ji haan, success ka koi mantra nahi hota, koi aapko special cheez nahi karni hoti, but aapko normal cheezein स्पेशल तरीके से करनी पड़ती है. जैसे स्कैनर को यूज करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. स्कैनर को एफिशिएंटली अगर आपको यूज करना आ गया आपके एग्जाम्स में, आप एक बहुत अच्छे एनालिसिस करने के अलावा एक स्मार्ट स्टडी प्लान बना सकते हो, कम समय में एग्जामिनेशन बहुत अच्छे क्लियर कर सकते हो, जैसा कि अनुराज ने क्लियर किया. सो अनुराज, अब आप आ गए हो सीएमए फाइनल में,
So yes, now the big battle begins of CMA final, and I hope and pray that you will excel in CMA final just like you have excelled in intermediate. You will definitely be CMA Anurag Singh very very soon. और इसी चैनल पे इसी फ्रेम के अंदर हम दोनों दोबारा दिखेंगे in the next examination after the result of the next examination, and you coming here as CMA Anurag Singh. So all the very best for your future. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, Anurag, bye bye, and see you bye, very sir. Soon in your final examination. Bye. So guys, this was CMA Anurag Singh for all of you. Yes, scoring 80 plus marks in audit subject, in SM subject, in BDA subject, in law subject is definitely not difficult. To remember theory, it's absolutely not difficult to remember and retain theory and produce it effectively in the examination, and getting good score in theory is definitely not difficult. Just that you have to plan out things, you have to do some smart plans, just like Anurag just told to all of us. And yes, I'll be continuing my interaction with some winners, with some achievers of June 2024 examination. I'll be coming up with more videos like this just to motivate you, just to give you a proper guidance on how to utilize minimal amount of time in the maximum possible way. On that positive note, all the very best and happy studying. Bye-bye. See you in the next session.